अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में आतंकी हमला हुआ है और एक शख्स ने कई लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया। न्यूयॉर्क के मेयर ने इसे आतंकी वारदात माना है। और आपको ये जानकारी दे दें कि इस हमले में 8 लोग मारे गए हैं और करीब 1 दर्जन लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि उनकी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं मृतकों के परिवार और हमले में घायल लोगों के साथ हैं। न्यूयॉर्क पुलिस ने बताया है कि एक सफेद रंग का ट्रक हडसन नदी के किनारे साइकिल के लिए बने रास्ते पर यानी कि बाइसिकल ट्रैक पर चढ़ा और कई लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक 29 साल के ट्रक ड्राइवर ने पुलिस पर फायरिंग भी की ताकि वो वहां से फरार हो सके और उसके हाथ में 2 हैंडगन्स भी थे, लेकिन पुलिस ने उसके पेट पर गोली मारकर उसे जख्मी किया और इसके बाद उसे पकड़ लिया। पकड़े गए संदिग्ध आतंकी का नाम सैफुल्लो हबीब साइपा बताया जा रहा है और ये उज़्बेकिस्तान का रहने वाला है जो कि अमेरिका में साल 2010 में आकर बसा था, यानी कि 7 साल पहले लगभग। अस्पताल में उसका इलाज फिलहाल चल रहा है। हमले के बाद ट्रक का अगला हिस्सा टूट गया। ट्रक के दरवाजे पर होम डिपो हार्डवेयर स्टोर चेन का लोगो लगा हुआ है। न्यूयॉर्क के गवर्नर के मुताबिक ये एक लोन वुल्फ अटैक था और इस तरह के हमले आइसिस के आतंकी करते हैं। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जो हमलावर है उसका नाम सैफुल्लो बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में हुए इस आतंकी हमले की निंदा की है और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंडेम करते हुए कहा है कि इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बस अब बहुत हो चुका। हालांकि न्यूयॉर्क के गवर्नर ने इसे लोन वुल्फ अटैक बताया है, लेकिन अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अब से कुछ ही देर पहले हमने अमेरिका में न्यूज एजेंसी पीटीआई के कॉरेस्पॉन्डेंट ललित के झा से इस हमले के बारे में जानकारी ली थी। अमेरिका से पीटीआई कॉरेस्पॉन्डेंट ललित के झा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर, इस हमले को लेकर कुछ डिटेल्स जो आपके पास हो अभी तक। जो आपने बताया है वही डिटेल्स हैं। एफबीआई इसकी लीडिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो अभी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। कुछ और इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन अभी ये आई है कि वो 2010 में के करीब उज़्बेकिस्तान से अमेरिका माइग्रेट किए थे। कुछ दिनों अभी जो लास्ट एड्रेस उनकी रही है टैंपा की रही है और पुलिस की एक टीम वहाँ उनके घर पर गई थी आज शाम को और छानबीन करके आई है। बट इन्वेस्टिगेशन के क्या रिजल्ट डिस्कस निकले हैं अभी तक पुलिस ने बताया नहीं है। ललित झा, क्या ये क्लियर है कि ये लोन वुल्फ अटैक है? अभी कुछ कह नहीं सकते। उसके गाड़ी से एक नोट इंग्लिश में मिला है, जैसा कि पुलिस के सूत्र बता रहे हैं उसमें लिखा, उस नोट के हिसाब से जो ये सस्पेक्ट है टाइप ऑफ उज़्बेक इमिग्रेंट, उसने अपने आप को इस्लामिक स्टेट के साथ आइडेंटिफाई किया है। और इसे लेकर जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जैसे गवर्नर का स्टेटमेंट कि लोन वुल्फ अटैक है, हालांकि मेयर की तरफ से ऐसी आशंका जताई गई कि आतंकी हमला भी हो सकता है, हालांकि किसी ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। सर जी, अभी किसी भी निष्कर्ष पे निकलना बहुत ही जल्दबाजी होगी। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक आतंकवादी घटना बताया है। उसके साथ साथ कई जो और लीडर्स हैं यूएस में, उन्होंने भी इसको आतंकवादी घटना बताई है। एफबीआई इसको एक आतंकवादी घटना के रूप में इन्वेस्टिगेट कर रही है जी। लेकिन ललित, क्या ये अलार्मिंग नहीं है? क्या ये एक डिस्कशन पॉइंट, सोचने का विषय नहीं है? बिकॉज न्यूयॉर्क देखिए आर्थिक राजधानी है और हाई सिक्योरिटी जोन का ये पूरा इलाका जहां एक अटैक होता है और 8 लोगों की मौत हो जाती है। जी, आपने बात सही कही है। 9/11 के बाद ये सबसे बड़ा आतंकवादी घटना न्यूयॉर्क शहर का माना जा रहा है। बट आप ये इस तरह की आतंकवादी घटना को कितनी भी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी सतर्क रहे, रोक पाना कई बार मुश्किल होता है। जी अमेरिका की सड़कों पर ट्रक बना आतंकी।
अमेरिका में लौटा आईएसआईएस का आतंक। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में आतंकी हमला हुआ है। मंगलवार देर रात हुए इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हैं। Let me be clear, based on the information we have at this moment, this was an act of terror and a particularly cowardly act of terror aimed at innocent civilians, aimed at people going about their lives who had no idea what was about to hit them. तो ये जो हमला हुआ है इसे लेकर अभी तक की जानकारी के मुताबिक किसी भी आतंकी संगठन ने इस आतंकी हमले की जानकारी नहीं ली है। हालांकि जो उसका नाम सैफुल्लो बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी संवेदनाएं जाहिर की हैं मृतकों के परिवार वालों के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंडेम किया है। और एक जानकारी और, डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सट्रीम वेटिंग के ऑर्डर्स दे दिए हैं फॉरेन ट्रैवलर्स के। एक्सट्रीम वेटिंग का मतलब है कि पूरी तरह से सघन जाँच डॉक्यूमेंट्स की जाए। और वेटिंग तब की जाती है जब किसी को हायर करना हो, उसको जॉब देना हो। ऐसे में एक्सट्रीम वेटिंग की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हुए ये कड़ा संदेश दे रहे हैं। जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा कि बहुत हो चुका, ऐसी चीजों को बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। 8 लोगों की मौत इस हमले में हो चुकी है, दर्जन भर लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। एक ट्रक अचानक से बाइसिकल ट्रैक पर घुसता है और वहां पर लोगों को कुचल देता है, जिसके बाद 8 लोगों की मौत हो जाती है। तो ये बड़ा हमला है। इससे पहले भी लोन वुल्फ अटैक, जिसका जिक्र न्यूयॉर्क के गवर्नर ने किया है, इससे पहले भी लोन वुल्फ अटैक हम पहले देख चुके हैं कई देशों में। और ये आईएसआईएस से प्रभावित लोग करते हैं लोन वुल्फ अटैक, जिसकी आशंका न्यूयॉर्क गवर्नर की तरफ से जताई गई है। ये एक आतंकी हमला है, आतंकी संगठन ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और कंडेम किया जा चुका है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इस हमले को। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल इस वक्त फोन लाइन पर पैच हो चुके हैं। सर, इससे पहले भी हमने देखा लोन वुल्फ अटैक कई जगह हुआ और अब न्यूयॉर्क में फाइनेंशियल कैपिटल, सर, हाई सिक्योरिटी इलाका, कंडेम करना एक अलग बात सर, बट अलार्मिंग सिचुएशन तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो लोन वुल्फ अटैक है, ऐसी जगह जो हुआ है जो बड़ा दर्दनाक घटना है और बड़ी निंदनीय घटना है, कंडेमनेशन से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आज 80 देशों के युवक जो है आईएसआईएस से रेडिकलाइज होते हैं और लोन वुल्फ अटैक जो है करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस प्रकार के अटैक को डिटेक्ट करना, जितना भी हाई सिक्योरिटी जोन हो या नॉन हाई सिक्योरिटी, इम्पॉसिबल है। और क्योंकि इसको पहले डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, इसको आप न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, हो जाता है। और लेकिन अगर आप देखो कंप्लीट वेस्टली अपने स्कैंडिनेविया में शुरू हुए खतरा है। अभी दुनिया को एक होकर कार्रवाई करनी है इस टेररिज्म के खिलाफ, और यही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बार बार हर मंच पर जाकर इस बात को कहते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीके सहगल हमसे बातचीत करने के लिए। अमेरिका में आतंकी हमला हुआ है। न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में एक ट्रक ने साइकिल ट्रैक पर जा रहे लोगों को कुचल दिया, 8 लोगों की मौत हो गई और न्यूयॉर्क के गवर्नर ने इसे लोन वुल्फ अटैक बताया। सवाल यह है कि क्या अमेरिका में आईएसआईएस की वापसी हो रही है? अमेरिका की सड़कों पर ट्रक बना आतंकी। अमेरिका में लौटा आईएसआईएस का आतंक। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में आतंकी हमला हुआ है। मंगलवार देर रात हुए इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हैं। Let me be clear, based on the information we have at this moment, this was an act of terror. And a particularly cowardly act of terror aimed at innocent civilians,
aimed at people going about their lives who had no idea what was about to hit them. न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक वेस्ट स्ट्रीट के अपमार्केट ट्रिबेका में हडसन नदी के किनारे साइकिल ट्रैक पर एक शख्स ने तेज रफ्तार में ट्रक चला दिया। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक सवार ने पहले कई लोगों को टक्कर मारी और फिर अंधाधुंध गोलियां चलाई। फायरिंग से पहले लोगों ने एक शख्स को अपने हाथों में दो बंदूक लिए एक कार से उतरते हुए देखा था। जहां पर हमला हुआ वहां से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेमोरियल काफी नजदीक है। After the collision, the driver of the truck, a 29-year-old male, exited the vehicle brandishing two handguns. A uniformed police officer assigned to the first precinct confronted the subject and shot him in the abdomen. The subject was wounded and transported to a local hospital. A paintball gun and a pellet gun were recovered at the scene. न्यूयॉर्क के गवर्नर के मुताबिक एक लोन वुल्फ अटैक था। इस तरह के हमले आईएसआईएस के आतंकी करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घटना के बाद ट्वीट कर कहा, ये हमला एक बीमार और विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किया गया लगता है। सुरक्षा एजेंसियां इस हमले की जांच कर रही हैं। अमेरिका में ये नहीं चलेगा। मध्य पूर्व में हराने के बाद हम आईएसआईएस की अपने देश में वापसी या घुसपैठ नहीं होने देंगे। बहुत हो चुका। जिस ट्रक से हमला किया गया उसके दरवाजे पर होम डिपो हार्डवेयर स्टोर चेन का लोगो लगा हुआ है। हमले के बाद एक संदिग्ध का वीडियो सामने आया जिसमें उसके हाथ में एक बंदूक दिखाई दे रही है। ये आतंक का एक नया ट्रेंड सामने आया है जिसमें ट्रक और दूसरे वाहनों से हमला किया जा रहा है। इस हमले से सवाल खड़ा हुआ है कि क्या अमेरिका में आईएसआईएस का आतंक लौट आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।